अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है, मैं कराची से हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे दो बच्चे हैं। मेरे बच्चे को एपिलेप्सी का इशू है, जिसे आप आसान अल्फाजों में फिट्स कह सकते हैं। मैं किराए के घर पे रहती हूँ, जिसका किराया 20,000 रुपये है। इस वक्त जो मैं ग्रॉसरी लेकर आई हूँ, जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, ये मेरा बिल है। ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं? उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बिजली का बिल। यूनिट है हमारे जिधर, जिसमें इस पाकिस्तान में, इस कराची में, इस एरिया में लाइट नहीं होती। यूनिट है मेरे 556 यूनिट, जिसका बिल है 15,560 रुपये। बताओ कहाँ से पे करूँ? रेंट पे करूँ, ग्रॉसरी लेकर आऊँ, बिजली के बिल दें, या टैक्स पे करें तुम लोगों को कि तुम लोगों की जेबें भर जाएं? मेरे बच्चे को फिट्स पड़ते हैं, जिसकी मेडिसिन तुम लोगों ने इन 4 महीनों में माशाल्लाह इतनी महंगी कर दी है कि वो भी पिलाना छोड़ दूँ मैं। मैं उस मरियम नवाज में और शहबाज शरीफ से पूछती हूँ, क्या तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है? ख़त्म हो गया है खुदा का खौफ, मरना नहीं है, कब्र भूल चुके हो कि तुम लोगों ने कब्रों में भी जाना है? क्या तुम इन मासूमों के आंसुओं का हिसाब तुम लोगों को कब्र में पूछा नहीं जाएगा कि तुम लोगों ने एक गरीब को मार दिया है? आखिर करे तो क्या करे जिसमें रोजाना की सब्जी नहीं है? बच्चों का को दूध पिलाना छोड़ दें, अंडे खिलाना छोड़ दें, 20 रुपए का एक अंडा,